आप अलंकार शुरू करो तो उन्हें शुरुआती दौर से ही सही बजाओ, गलत प्रैक्टिस करनी ही नहीं उनमें। कि अलंकार अगर चले आपके पहली बार भी उंगलियां अगर चलती हैं, हारमोनियम पर हाथ रखते हो तो हाथों तक लय पहुंच जाए। अभी क्या है, लय यहां है, सिर्फ शरीर में नहीं है। जिस दिन लय शरीर में आ जाएगी मैं तब हारमोनियम पर हाथ रखना शुरू करूंगा। खेल खेल में जाने कितनी धनुहियां तोड़ डाली मैंने, खेल खेल में। क्या होता है, उमूमन मैं लय ताल के जाल में बहुत फंसाता हूँ बच्चों को, है ना, कि मैं बहुत दिन तक सिर्फ लय और ताल ही कराता हूँ। तो बच्चे कई बार ये भी सोचने लग जाते हैं, यार हारमोनियम का कोर्स कब शुरू होगा, इस पर अलंकार कब बजाना शुरू करेंगे, या इन्हें गाना कब शुरू करेंगे, है ना। उमूमन मैं उस चीज़ पर बहुत बाद तक आता हूँ। रियाज मैं पहले ही बता देता हूँ, जैसा कि आपको भी बता दिया कि ये रियाज है, इसको करना शुरू कर देना, गले का काम है, ये धीरे धीरे आपके बढ़ते रहेगा। रोज सवेरे उठो और इस चीज़ को करते रहो तो वो तो धीरे धीरे आपकी बढ़त हो जाएगी, है ना। लेकिन अलंकार पे आने से पहले मैं लय और ताल पर बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, एम्फेसिस बहुत देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब आप अलंकार शुरू करो तो उन्हें शुरुआती दौर से ही सही बजाओ, गलत प्रैक्टिस करनी ही नहीं उनमें। कि अलंकार अगर चले आपके पहली बार भी उंगलियां अगर चलती हैं, हारमोनियम पर हाथ रखते हो तो हाथों तक लय पहुंच जाए। अभी क्या है, लय यहां है, सिर्फ शरीर में नहीं है। जिस दिन लय शरीर में आ जाएगी मैं तब हारमोनियम पर हाथ रखना शुरू करूंगा। ये मेरी अपनी प्रणाली है सिखाने की, अपना तरीका है ये, कि मैं चाहता हूं पहले शरीर में लय पैदा हो आपके, क्योंकि हारमोनियम पे हाथ चल रहा है ना, शरीर का अंग है। अभी आपकी यहां से समझ पाते हो लय, है ना, लेकिन अब जब ताली लगा रहे हो तो ये शरीर में लय आ रही है कि नहीं आ रही है, ये झटका जब दे रहे हो तो शरीर में लय आ रही है कि नहीं आ रही है। अब अगर मैं आपको कहूं कि खड़े हो और ऐसे ऐसे पांव चलाओ लय में, जैसे कि हम मार्च कर रहे हो, जैसे कि आप जब चलो, है ना, मैं अगर आपको कहता हूं कि चलो वहां से चल के यहां तक आओ, लेकिन एक लय में आओ, तो उससे क्या होगा, कदमों में आपके पैरों में लय आ रही है। जब मैं आपको कहता हूं सब्जी काटनी है, ऐसे ऐसे काटो, एक लय में काटो, 120 के BPM में काट के दिखाओ, तो ये क्या हो रहा है, शरीर में लय पैदा हो रही है। तो जब तलक आपके शरीर में लय पैदा ना हो मैं तब तक कोशिश करता ही नहीं कि हारमोनियम पर हाथ रखवाएं, क्योंकि जैसे ही आपके शरीर में लय पैदा हो गई हारमोनियम पे हाथ यूं चलने लगेगा, यूं, है ना। ये मेरी, या तो इसको आप रिवर्स इंजीनियरिंग कह लो, या ये कह लो कि यही सही तरीका है, है ना। या अब तक लोग उल्टा सिखाते आए, लोग क्या करते हैं, क्या है, बच्चे भी तो फिर बोर हो जाते हैं ना, कि यार आप हारमोनियम पे तो कुछ सिखाई नहीं रुकी, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तो कुछ दो, है कि नहीं। अभी मैंने हारमोनियम पे आपको कुछ दिया तो आप बजाओगे तो साउंड आएगा, तो आपको खुशी होगी, अच्छा लगे, हाँ मैं कुछ बजा रहा हूँ, देखो ये बजा रहा हूँ तो साउंड निकल के बाहर आ रहा है, कि मैंने दो की बजाई तो दो सुर निकले, है ना। इसीलिए बच्चों को शुरुआत में ही गाने सिखा दिए जाते हैं हारमोनियम पर। क्यों सिखाते हैं वो, इसी वजह से कि बच्चे को ये मनोबल बढ़ जाए कि हाँ देखो मैंने जन गण मन, अरे वाह मैं बजा रहा हूँ और यही धुन निकल रही है, तो ये खुशी उनके अंदर हो जाती है कि हाँ फिर तो मैं सीख सकता हूँ। लेकिन मैं इस वजह से ही वो काम नहीं करता, क्योंकि फिर बच्चा वहीं फंस जाता है कि नहीं। जैसे ही उस चीज में दिलचस्पी आई फिर वो अच्छा वाला क्यों सीखेगा, ये बताओ, है ना। इस चीज का एग्जांपल मेरे पिताजी यूं देते हैं कि भैया जब MBBS आप करते हो तब कोई बच्चे से ये एक्सपेक्ट नहीं करता है, ना ही बच्चा ये एक्सपेक्ट करता है कि दो दिन हो गए जाते जाते मुझे MBBS के कॉलेज में, दो दिन हो गए जाते जाते, अब तक तो इंजेक्शन लगाना आ जाना चाहिए था, एक आध दवाई तो बता ही दूं घर वालों को, बुखार की ही सही, जुकाम की ही सही, छोटी मोटी दवाइयां तो बता ही सकता हूं, प्रिस्क्रिप्शन लिखना शुरू कर दूं। क्या ये मुमकिन है कि दो दिन की क्लास में या महीने भर की क्लास में भी, इवन महीने भर की क्लास का बच्चा भी आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे दे, या आप उससे कह दो हाँ मेरा ऑपरेशन कर दे तू, या मुझे लगा दे इंजेक्शन कोई सा भी, तो सिरिंज लगाने की अगर उसे लत लग गई ना तो वो डॉक्टर की पढ़ाई नहीं करेगा, फिर वो सिरिंज लेता ही फिरेगा कि आओ भाई किसके लगानी है, है ना। तो इस तरह का मामला हो जाता है यहाँ पे भी, कि अगर मैंने आपको गीत सिखा दिए, सिखाने में कुछ नहीं, अभी नोटेशन आपको दे दूं कि सारे ग ग ग ग ग ग ग ग ग रे ग म, ये हो गया जन गण मन, सब सिखा सकता हूँ मैं, सारा आता है मुझे, ऐसा नहीं कि मैं नोटेशन नहीं बता सकता, ऐसा कोई गीत नहीं जिसके मैं नोटेशन ना बता पाऊँ, है ना, क्योंकि वो मुमकिन है, वो उसी सुर लय ताल में होगा ना। कोई सा भी आप मुझे नया गाना दे दो मैं उसके भी नोटेशन अभी आपको निकाल के दे दूंगा, है ना, लेकिन आप उसे समझ नहीं पाओगे और रट जरूर लोगे। रटना तो क्या है, रटना तो हमारे, क्योंकि हम ये, मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि हम रट क्यों सकते हैं आसानी से, तो उस पर लोग भड़क जाते हैं, हमारी जात ही बंदरों की है, हम एप से ही निकल के आए हैं ना, और एप्स क्या करते हैं, इमिटेशन, इमिटेशन में माहिर हैं वो। आप चढ़ोगे
पोल पे या पेड़ पे, वो भी आपको देखा देखी चढ़ जाएंगे। आप एक केला छील के खाओगे, आपको देखा देखी वो भी कर लेंगे। तो वो क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हमारी जात रही ही वही है, हम वहीं से इवॉल्व होकर इंसान बने हैं, लेकिन तब भी इमिटेशन हमारी रगों में है, डीएनए में है, जाता नहीं है। हम जिस व्यक्ति के साथ रहने लगते हैं उस व्यक्ति जैसा बिहेव करने लगते हैं, उस व्यक्ति जैसी भाषा बोलने लगते हैं। तो खरबूजे को देखकर ही खरबूजा रंग बदलता है, ये होता है ना। तो वो इमिटेशन हमारी उसमें है। तो हमें गाना सिखाना, मैं आपको सिखाऊंगा और आप कॉपी कर लो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी, अचंभा नहीं हो जाएगा, आप कर सकते हो क्योंकि इमिटेशन रग रग में है। अभी गाना सिखाऊंगा, आप गाने गाते ही हो ना, कैसे गाते हो, इमिटेशन ही तो है भाई, गाना सुना है, उसी को तो इमिटेट किया है, कॉपी किया है ना। पर ये नहीं है ना, एक्सप्लेनेशन नहीं है उसका, एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप मुझे कि क्या गाया आपने अभी। तो इमिटेशन नहीं, एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दो, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपको इमिटेट नहीं करना पड़ेगा, लोग आपको इमिटेट करेंगे, है ना। आप ऐसा गाओगे कि लोग आपको कॉपी करेंगे कि यार ये तो धृति का गाना है, ऐसा मुझे गाना है, है ना। धृति को वैसा आइकन बनना है, इस किसी को आइडलाइज करके उसके जैसा नहीं बनना है, आपको खुद एक आइडल बनना है, समझ रहे हो। इस तरह से हमें जीवन में भी यही करना है ना भाई, कि आपकी भाषा, आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि यार लोग कहें यार ऐसा बनना है यार मुझे, व्हाट अ पर्सनालिटी यार, है कि नहीं। तो वो कब बन पाओगे, जब ओरिजिनल पे फोकस करोगे। इसी वजह से मैं ये आपको ताल लय ज्यादा फोकस करा रहा हूँ, ग्रामर है, ये बेस है। फिर जब मैं हारमोनियम पर पहली बार हाथ रखवाऊंगा, पहला अलंकार बजाऊंगा ना, बजवाऊंगा आपसे, मुझे कुछ नहीं बताना पड़ेगा, है ना। लोगों को लगता है कि यार मैं ये तो बहुत मेहनत वाला काम है जो मैं अभी कर रहा हूँ, कि आपको बार बार आप ही के साथ करवाना बार बार, पर ये मेहनत नहीं है, मैं अपने लिए आसानी कर रहा हूँ। आसानी कैसे, कि आगे मुझे कुछ नहीं बताना है, फिर मैं बैठा रहूंगा, मैं सिर्फ गाइड करूंगा कि चलो ये बजाओ और आप बजा के दुखा दोगे। मैंने किसी भी ताल की दोगुन नहीं सिखाई आपको, आप अगर ध्यान दें तो, मैंने सिर्फ दोगुन एज अ कंसेप्ट समझाया, सारी दोगुन आपने मुझे सुनाई, है ना। सो दिस इज द वे आई टीच, मैं स्टूडेंट से निकलवाता हूँ कि तुम निकाल के लाओगे, अब तुम करोगे, आत्मनिर्भर बनोगे। और यही एक सदगुरु कराता है, सदगुरु स्वाध्याय की प्रेरणा देता है। स्वाध्याय यानी खुद से अध्ययन करना, खुद से दिमाग लगाना। अलंकार में भी मैं नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ बता दूंगा पैटर्न ये है, अब इसे चलो चारों लयों में बजाओ, अपने आप आपका हाथ लय में चलेगा पहले ही दिन। वो कब होगा, जब शरीर में लय होगी। तो शरीर में लय लानी है अपने को, ताली लानी है। और ये एक्सरसाइज मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कराता हूँ, आपको भी दे रहा हूँ, आपको एक वीडियो भेजूंगा मैं, जिसमें मैंने ये अपने स्टूडेंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, कि हम मॉर्निंग वॉक पे गए, चलो लय में चलेंगे, मैं सिंगल में चलूंगा, तुम मेरे साथ चलोगे डबल में चलोगे, फिर मैं डबल में चलूंगा, तुम सिंगल में चलोगे, मॉर्निंग वॉक पे, है ना। कि कदमों में लय, जिसे कहते हैं ना कदम चाल, वो आर्मी में भी होती कदम चाल होती, तो वो क्या है, वो लय में ही करते हैं वो लोग मार्च पास्ट, बेलय नहीं करते हैं वो लोग, तभी तो सबके पांव एक साथ चलते हैं। कैसे चल पा रहे हैं, वो कोऑर्डिनेशन कैसे हो पा रहा है, वो सिंक्रोनाइज कैसे हो रहा है, क्योंकि एक लय है वो, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो, ऐसे ही तो पांव चलते हैं। तो वो कब, जब शरीर में अंदर लय बसी होगी, आत्मसात हो जाए। अब लय में फिर कभी नहीं चुकेंगे, कभी आपकी लय की मिस्टेक हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो उसे अपने अंदर लाइए, उसे सबकॉन्शियस में उतारिए। सबकॉन्शियस में उतारने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा उसे सुनना पड़ेगा। और ये अभ्यास हमेशा ख्याल रखिए, संगीत वो विषय नहीं है जो एक घंटे में आपने मेरे साथ बिताया और आ गया आपको, मान के चलिएगा। ये जब तक खुद से नहीं करोगे और हमेशा नहीं करोगे, तब तक नहीं आएगा। और हमेशा से करने का मेरा क्या मतलब है, जब आपका दीवानगी हो जानी चाहिए, कि आप कुछ नहीं कर रहे, खाली बैठे बैठे गाड़ी चलाते चलाते, कुछ काम करते करते, खाना खाते खाते, घूमते घामते, क्या कर रहे हो, ये चल रहा है, है ना, लय चल रही है, तब जाके लय अंदर आएगी। जो कहते हैं ना, लय और सुर में पक्का कैसे बना जाए, उसका इकलौता यही उपाय है, कि आपको उतारना पड़ेगा अंदर, आत्मसात। लय और संगीत सीखा नहीं जाता है, संगीत आत्मसात किया जाता है, महसूस जहन में उतारा जाता है, उसे मन में उतारा जाता है। अब लोग वहां तक पहुंचते नहीं है, फिर कहते हैं हमारी लय चूकती है या हमारे सुर चूकते हैं, है कि नहीं। क्यों चूकते हैं, क्योंकि भैया एक घंटे से, बस एक घंटे के बाद हम संगीत करते ही नहीं है, यही वो समय है जिसमें हम बैठ गए साथ में, या इसके अलावा चलो क्लास से पहले थोड़ी प्रैक्टिस कर ली, क्योंकि जो दिया गया है वो सुनाना भी है, है ना। तो लिमिटेड टाइम में अगर करोगे तो ये नहीं आएगा, क्योंकि औपचारिकता मान ही नहीं सकता, ये विषय है ही नहीं, औपचारिक विषय ही नहीं, फॉर्मल विषय नहीं है, ये इतना इनफॉर्मल है, ठीक है नहीं। भाषा की प्रैक्टिस आप किसी एक समय कर सकते हो क्या, ये बताओ ना। संस्कार जो हम लेते हैं फैमिली से, वो किसी एक समय होता है क्या, क्या पापा के साथ आपका एक घंटे का कोई पीरियड होता है क्या, कभी नहीं। और ना इन पिताजी का भी, इनके पिताजी के साथ रहा होगा एक घंटे का पीरियड, कि आज पापा मुझे संस्कार देंगे,
हुआ ही नहीं कभी ये, है ना, कि आज मुझे ये बैठना सिखाएंगे, आज मुझे ये बोलना सिखाएंगे, आज मुझे ये चलना सिखाएंगे, कभी नहीं हुआ ये, है ना। वो जीना पड़ा साथ में उसे, तब वो चीज़ें आई हैं। तो उसी तरह से संगीत अंदर आएगा आपके, अगर लय 2400 घंटे चलेगी, खाली बैठे बैठे कोशिश करना ये, और पहले हैबिट डालनी पड़ेगी जानबूझ के, कि जब भी खाली बैठे हो तो क्या करना है, अरे चलो लय शुरू कर देते हैं। इसके लिए तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका हाथ चाहिए, है ना, और मेट्रोनोम चाहिए, और मेट्रोनोम नहीं है तो घड़ी चाहिए। इस पागलपन के साथ जब रियाज करोगे ना, आपकी देखो कैसे लय मजबूत नहीं होती। मैं लिख के देता हूँ लय मजबूत होना, बस जाएगी अंदर, मजबूत तो क्या होगी, बस जाएगी आपके अंदर, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है।